राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बीती रात अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। आसाराम को बेचैनी की शिकायत के बाद इमरजेंसी में ले जाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बीती देर रात 12 बजे आसाराम को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई थी। तबीयत खराब होने के बाद उसे जेल की ही डिस्पेंसरी में चेक करवाया गया। इसके बाद जेल प्रशासन कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम को जेल से बाहर महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा। उसे पुलिस वैन में ही अस्पताल ले जाया गया। इधर जैसे ही आसाराम के समर्थकों को इसकी सूचना मिली तो अस्पताल के बाहर भीड़ लग गई। इसके बाद आसाराम को MGM अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आसाराम के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल की कैंटीन से खाना आया। खाने में आसाराम को दाल, चावल, चपाती, दही और पत्ता गोभी की सब्जी परोसी गई। आपको बता दें, अब तक आसाराम जेल का खाना खाता रहा है। आसाराम के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव सांघवी पहुंचे। उनका पूरा परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि आसाराम को हार्ट अटैक नहीं आया है, बल्कि पहले उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। उस वक्त उनकी एंजियोग्राफी की गई थी और बाईपास सर्जरी सजेस्ट की गई थी। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक आसाराम को अस्पताल में ही रखा जाएगा और कई तरह के टेस्ट किए जाएंगे। फिलहाल आसाराम डॉक्टर्स की देखरेख में भर्ती है और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव सांघवी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आसाराम की ब्लड रिपोर्ट और ECG रिपोर्ट सामान्य है। जो हुआ था, साथ में पसीना वगैरह आया था, तो इसलिए यहाँ पे इमरजेंसी में लेकर आए थे, तो इनको यहाँ से एडमिट किया था हमारे CCU में। हालांकि अभी पेन है पर कम है, ECG में कोई विशेष खराबी नहीं है, पर ये बता रहे हैं कि पहले इनकी एंजियोग्राफी हुई थी और तीनों में ब्लॉकेज बताया था और बाईपास के लिए सजेस्ट किया था, तो उस हिसाब से हम एहतियात के तौर पे ऑब्जर्वेशन के लिए अभी एडमिट किया है। पहले की रिपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है, अगर वो मिल जाती है हमको तो उसको डिटेल देख के हम बताएंगे आगे क्या करना है। आपको बता दें कि साल 2013 में एक नाबालिग लड़की से जोधपुर के पास मनाई आश्रम में आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। बीते हफ्ते राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में आसाराम मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन आसाराम की ओर से वकील को मुंबई से आना था और वो नहीं पहुंचे। ऐसे में वकीलों ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया। अब 8 मार्च को अपील पर सुनवाई होगी। आसाराम को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पंजाब की CCTV राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।